नंबर वन पोलियो डिजीज इज कॉज्ड बाय डैस। देखो तो पोलियो रोगटा कहा द्वारा होता है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी वर्म। तो राइट आंसर टी कौन है, पोलियो रोगटा कहा द्वारा होता है ना, पोलियो रोगटा वायरस द्वारा होता है। मन रखु पोलियो डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरली कॉज्ड बाय वायरस। निम्नलिखित मध्य क्यों डिजीज बा क्यों रोगटी साधारणतः वायरस द्वारा होता है, ऑप्शन ए डेंगू फीवर, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी कोलेरा, ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस। तो राइट आंसर कौन है, ए मध्य क्यों रोगटी साधारणतः वायरस द्वारा होता है। तो आप जानते जे वायरस द्वारा डेंगू फीवरटा होता है, तो मन रखु डेंगू फीवर इज जनरली कॉज्ड बाय वायरस, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर थ्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉज स्वाइन फ्लू। निम्नलिखित मध्य कहा द्वारा स्वाइन फ्लूटा होता है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी टेपवर्म, ऑप्शन डी वायरस। तो राइट आंसर टी कौन है, एगुड़िक मध्य कहा द्वारा स्वाइन फ्लूटा होता है, तो स्वाइन फ्लू कहा द्वारा होता है ना, स्वाइन फ्लू वायरस द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर फोर व्हाट डज द टर्म इबोला स्टैंड फॉर। इबोलार अर्थ कौन, ऑप्शन ए वायरल डिजीज आउटब्रेक इन वेस्ट आफ्रिका, ऑप्शन बी ए वायरल डिजीज आउटब्रेक इन बांग्लादेश, ऑप्शन सी ए सिटी इन सीरिया डिस्ट्रॉयड बाय आईएसआईएस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर टी कौन है, इबोलार अर्थ कौन, इबोलार अर्थ होती वेस्ट आफ्रिकार होता गोटे वायरल डिजीज। तो मन रखु ऑप्शन ए है राइट आंसर, इबोला इज ए वायरल डिजीज आउटब्रेक इन वेस्ट आफ्रिका, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर फाइव इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इन्फ्लुएंजा डिजीजटा निम्नलिखित मध्य कहा द्वारा होता है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन डी प्रोटोजोन। तो राइट आंसर टी कौन है, इन्फ्लुएंजा डिजीजटा कहा द्वारा होता है ना, इन्फ्लुएंजा डिजीजटा वायरस द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। मन रखु इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर सिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित मध्य क्योंटी गोटे कम्युनिकेबल डिजीज, ऑप्शन ए मिजल्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी अस्थमा, ऑप्शन डी डायबिटीज। तो राइट आंसर टी कौन है, निम्नलिखित मध्य क्योंटी गोटे कम्युनिकेबल डिजीज। देखो कम्युनिकेबल डिजीजर अर्थ होती जनक आउ जन को डे थे ट्रांसफर होता है, तो कौन है, ऑप्शन ए है राइट आंसर, मिजल्स। मिजल्स होती गोटे कम्युनिकेबल डिजीज, तो ऑप्शन ए है राइट आंसर। जदि क्लास टी भल लगुच्छी एवं क्लास रु किसी सीखी पारुछंती तो गोटे लाइक निश्चय करूँ एवं चैनल को सब्सक्राइब करी आमको सपोर्ट करूँ। नेक्स्ट देखूँ नंबर सेवेन व्हाट इज बैकबोन फीवर मोस्ट कमनली नोन आज। निम्नलिखित मध्य क्या आम बैकबोन फीवर बोली कही था, ऑप्शन ए टाइफॉइड, ऑप्शन बी राइनेटस, ऑप्शन सी येलो फीवर, ऑप्शन डी डेंगू। तो राइट आंसर टी कौन है, एगुड़िक मध्य क्या आम बैकबोन फीवर बोली कही था, तो आपने जानते जे डेंगू को आम बैकबोन फीवर बोली कही था, तो ऑप्शन डी है राइट आंसर डेंगू। नंबर एट देयर इज नो वैक्सीन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस। देखो निम्नलिखित क्यों हेपेटाइटिस वायरस एपर्यंत कौन सी वैक्सीन नहीं, ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस डी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस सी। तो राइट आंसर टी कौन है, ए पर्यंत क्यों हेपेटाइटिस वायरस कौन सी वैक्सीन नहीं, तो राइट आंसर टी कौन है, ऑप्शन डी है राइट आंसर, हेपेटाइटिस सी। ए पर्यंत हेपेटाइटिस सी कौन सी वैक्सीन नहीं, तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर नाइन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस इज लोकेटेड इन डैश। देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेसटा केउठारे अवस्थित, ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी इंदौर। तो राइट आंसर टी कौन है, यह केउठारे अवस्थित, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेसटा बेंगलुरु रे अवस्थित, तो ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर टेन रेबीज इज ए डैश। देखो रेबीज गोटे के प्रकार डिजीज, ऑप्शन ए हेलमिंथिक डिजीज, ऑप्शन बी वायरल डिजीज, ऑप्शन सी बैक्टीरियल डिजीज, ऑप्शन डी प्रोटोजोइन डिजीज। तो राइट आंसर टी कौन है, रेबीज गोटे के प्रकार डिजीज ना, रेबीज होती गोटे वायरल डिजीज, तो ऑप्शन बी है राइट आंसर, रेबीज इज ए वायरल डिजीज, ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर इलेवेन जॉन्डिस कॉजेस द इन्फेक्शन इन डैश। देखो जदि जन को जॉन्डिस होता है तो तहार बॉडी रो के पार्ट्रे इन्फेक्शनटा होता है, ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी स्प्लीन। तो राइट आंसर टी कौन है, जॉन्डिसटा बॉडी रो क्यों पार्ट इन्फेक्शनटा करिथाय ना लिवर रे करिथाय, तो ऑप्शन बी है राइट आंसर, जॉन्डिस कॉजेस द इन्फेक्शन इन लिवर, ऑप्शन बी है राइट आंसर।
जदि आपण मैंने क्लास PDF पाइबा को चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कर टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु सेठे आपण मैंने समस्त क्लास PDF पाइपारे और रिविजन करेंगे और क्लास टी समस्त सांगसाथी मान सहित सेयार करूँ। नेक्स्ट देखो नंबर 12 हेपाटाइटिस अफेक्ट्स ह्विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी मनुष्य शरीर केउ ऑर्गन को हेपाटाइटिस अफेक्ट करिथाय ऑप्शन ए लिवर ऑप्शन बी पेनक्राइज ऑप्शन सी स्प्लीन ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर टी कौन है हेपाटाइटिस टा मनुष्य शरीर केउ अंग को अफेक्ट करिथाय तो राइट आंसर टी ऑप्शन ए लिवर को अफेक्ट करिथाय ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 13 स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय डैश देखो स्मॉल पॉक्स टा कहा द्वारा होइथाय ऑप्शन ए रुबेला वायरस ऑप्शन बी वारियोला वायरस ऑप्शन सी वेरिसेला ऑप्शन डी मेक्सो वायरस। तो राइट आंसर टी कौन है स्मॉल पॉक्स टा कहा द्वारा होता है स्मॉल पॉक्स टा वारियोला वायरस द्वारा होता है तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। मन रखु स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वारियोला वायरस ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर 14 व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग वाटर बोर्न डिजीजेस इज नॉट कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया निम्नलिखित मध्य क्यों रोग गोटे बैक्टीरिया द्वारा हो न था ऑप्शन ए कोलेरा ऑप्शन बी बैसिलरी डिसेंट्री ऑप्शन सी टाइफॉइड ऑप्शन डी हेपाटाइटिस। तो राइट आंसर टी कौन है एगुड़िक मध्यरु केउटी बैक्टीरिया द्वारा होई न थाए तो देखंतु आपण माने जानिथिबे जे कोलेरा बैसिलरी डिसेंट्री एवं टाइफॉइड ए तीनोटी बैक्टीरिया द्वारा होइथाय किंतु हेपाटाइटिस ए टा बैक्टीरिया द्वारा होई न थाए यह वायरस द्वारा होइथाय तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 15 व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट कॉज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर निम्नलिखित मध्य क्यों रोग पोल्यूटेड वाटर द्वारा हो न थाए ऑप्शन ए डिसेंट्री ऑप्शन बी जंडिस ऑप्शन सी टाइफॉइड ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस। तो राइट आंसर टी कौन है एगुड़िक मध्य क्यों रोग पोल्यूटेड वाटर व प्रदूषण जल द्वारा हो न थाए तो देखो आपण मैंने जानते जे डिसेंट्री जंडिस एवं टाइफॉइड ए तीनोटी रोगटा पोल्यूटेड वाटर द्वारा होता है किंतु ए ट्यूबरक्लोसिसटा पोल्यूटेड वाटर व प्रदूषण जल द्वारा हो न थाए तो ऑप्शन डी हेब राइट आंसर ट्यूबरक्लोसिस ऑप्शन डी हेब राइट आंसर। नंबर 16 लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय डैश देखो लेप्रोसीटा कहा द्वारा होता है ऑप्शन ए वायरस ऑप्शन बी बैक्टीरिया ऑप्शन सी प्रोटोजोआ ऑप्शन डी रेट्रोवायरस। तो राइट आंसर टी कौन है लेप्रोसीटा कहा द्वारा होता है लेप्रोसीटा बैक्टीरिया द्वारा होता है तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। मन रखु लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर 17 प्लेग इज कॉज्ड बाय डैश देखो प्लेग रोगटा कहा द्वारा होता है ऑप्शन ए बैक्टीरिया ऑप्शन बी प्रोटोजोआ ऑप्शन सी वायरस ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर टी कौन है प्लेग रोगटा कहा द्वारा होता है आपण मैंने जानते हैं प्लेगटा बैक्टीरिया द्वारा होता है तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। मन रखु प्लेग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 18 वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डैश देखो कहार डायग्नोसिस वाइडल टेस्टा करा जाए ऑप्शन ए साल्मोनेलोसिस ऑप्शन बी मैलेरिया ऑप्शन सी कोलेरा ऑप्शन डी टाइफॉइड। तो राइट आंसर टी कौन है एगुड़िक मध्य कहार डायग्नोसिस वाइडल टेस्टा करा जाए थाए तो राइट आंसर टी ऑप्शन डी टाइफॉइड टाइफॉइड रो डायग्नोसिस वाइडल टेस्टा करा जाए थाए। मन रखंतु वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 19 व्हिच ऑर्गन गेट्स अफेक्टेड इन वेल्स डिजीज देखंतु केउ ऑर्गनटा वेल्स डिजीज रे अफेक्ट होइथाय ऑप्शन ए लिवर ऑप्शन बी लंग ऑप्शन सी हार्ट ऑप्शन डी किडनी। तो राइट आंसर टी कौन है वेल्स डिजीज रे क्यों ऑर्गनटा अफेक्ट होता है ना किडनीटा अफेक्ट होता है ऑप्शन डी है राइट आंसर। वेल्स डिजीज रे किडनी अफेक्ट होता है ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 20 निमोनिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय द टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड डैश देखो आम जानी जो निमोनिया हूँ गोटे बैक्टीरियल डिजीज तो ये निमोनियाटा क्या द्वारा होता है ऑप्शन ए बासिलाई ऑप्शन बी कॉक्साई ऑप्शन सी स्प्रिलाई ऑप्शन डी वाइब्रियो। तो राइट आंसर टी कौन है ए निमोनियाटा कहा द्वारा होता है ना कॉक्साई द्वारा होता है तो ऑप्शन बी हेब राइट आंसर। ए थिला हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक रो केते गुड़े इंपोर्टेंट MCQ आशा करुच्ची ए पर्यंत आपण मैंने गोटे लाइक कर सांगसाथी मान सहित सेयर कर सारे आमको सपोर्ट करनेशार कौन जब प्रिपेरेसन करुँच तो DRN क्लासेस को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन घंटी को अन कर रखु कारण आम जितेबले भी न्यू भिडी अपलोड करूँ आपण सर्वप्रथमें नोटिफिकेसन टी पहुँची पार। धन्यवाद।